मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद राज्य भर में जगह जगह सड़कों पर अतिक्रमण कर लगाए गए ठेलों को हटाने का काम शुरू हो गया है। बुधवार को सिलीगुड़ी में भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दिन माटीगढ़ा में सिटी सेंटर के सामने सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाली कई दुकानें को हटा दिया गया। आपको बता दें कि उक्त इलाके में कई वर्षों से दुकानें लगाए जा रहे थे। इस दिन माटीगढ़ा ब्लॉक प्रशासन और पुलिस की उपस्थिति में सभी दुकानों को हटाया गया। यहाँ पे हम लोग काफी दिन से कर रहे हैं। मुझे देना नहीं पड़ता है। मैं यहाँ का मतलब हम लोग बगान का थे, तो पहले तो ये गार्डन था, टी गार्डन हम लोग का परमानेंट काम था। तो अभी तो बगान टूट के जाने के बाद मैं यहाँ पे वही दुकान करते हैं, वही घर चल जाता है, 700-800 रुपये हो जाता है। अभी तो कुछ सोचा नहीं क्या करेंगे, करना तो चाहिए, क्या करेंगे आप। हमारा जो इसी से घर परिवार चलता था, तो ये चला जाएगा तो आएगा ही। हमारे जैसे चल रहे वैसे ही अगर हमारे लिए साइड में भी कहीं रास्ता में जगह मिले दुकान करने के लिए कुछ, तो अच्छा है। उतना ही चाहिए और क्या चाहिए। 12-13 साल हो गया सबका, ये सब कोई पुराना है। आप इसी से निर्भर है, इसी से मेरा फैमिली चलता है। परिवार में मेरा 5 बहन है, एक बूढ़ा बाबा पे सिर्फ मैं ही चलाता हूँ, अकेला ही चलाता हूँ। अब सरकार का आदेश है तो हम लोग को हटना पड़ेगा, लेकिन व्यवस्था कर दे सरकार हम लोग का भी, हम लोग भी 2 रुपया कमा के अपने परिवार को खिलाए। बस आप कैसे करेंगे, आप जैसे आप नहीं बताया तो किया था, लेकिन हम लोग बस टेम्पोररी कर रहे थे, किसी तरह पेट पाल रहे थे, हम लोग किसी तरह अपना घर का फैमिली चला रहे थे। बस यही मेरा करीबन 13 साल हो गया मेरा। बोलेंगे ना हम लोग, क्या बोल सकेगा, बोलिए हमको इतना साल से हम लोग का इधर से रोजी रोटी चल रही है, अभी हम लोग क्या करेगा। 2 दिन से हम लोग नहीं है ना, 11-12 साल से है ना, हम लोग को कुछ ना कुछ नहीं है। 11 साल से हम यहाँ है, कोई नया नहीं है, पहला से है वो लोग नया नहीं है सब कुछ। एकानी तो होइछे हमर दुकानदारी करे 7-8 साल होइछे, ना टाका दी बोछे 9,000-6,000-7,000 मंथली। এখানে ছেলে মানুষে যাকে টাকা দিতে তো তার নাম থেকে না না নাম তো বলবো না দাদা আমি, মানে এই যে 7-8 বছর আপনি বললেন 7-8 বছর থেকে কন্টিনিউ টাকা দিতে হচ্ছে না। হ্যাঁ এখানে তে এইরকম তো আমি জানি না। আমরা প্রশাসন পুলিশ সব থেকে থেকে আছি, এখানে এনক্রোচমেন্ট যেগুলো হয়েছে সেগুলোকে আমরা সরিয়ে দিচ্ছি। এখন তো হবে, আরো অভিযান চলবে, চলছে, যেভাবে যা চলছে হবে।